नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, शिक्षा व्यवस्था जितनी आधुनिक, इसके बाद जो तकनीक है उस पर हम चर्चा इसलिए आवश्यक समझते हैं कि आने वाले जो सेशन हैं उसमें आपके बच्चे का भविष्य और उनका स्वास्थ्य के साथ जो क्वालिटी एजुकेशन है वो मेंटेन हो सके। आज हम जीडी गोयनका में हैं। जीडी गोयनका का दूसरा सत्र चल रहा है और तीसरा प्रारंभ होने वाला है। हमारे साथ आरडी शर्मा हैं जो कि जीडी गोयनका के प्रिंसिपल हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। एक वन टू वन करेंगे जिसमें कुछ ऐसे अहम सवाल जो कि ये अभिभावकों के सवाल हैं। जी, जीडी गोयनका ही क्यों, एक सवाल जो अभिभावकों के बीच चर्चा हो। जी, आखिर जीडी गोयनका ही क्यों? जी, एक जवाब सर, हर एक स्कूल का अपना सेटअप होता है और अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं। और जहाँ तक जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की बात है, ये पूरा संगठन और ये विद्यालय भी एक अलग मानकों का पालन करता है, चाहे वो शारीरिक शिक्षा की बात है, मेंटल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, इमोशनल वेलबींग है। वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। एजुकेशन में क्या एजुकेशन जो है वो अन्य स्कूलों के और इसके स्कूल के जो उसमें क्या अंतर हो सकता है? सर, हमारे यहाँ पर ट्रेन टीचर्स हैं और दूसरा जो NEP है, जो बात करती है हैंड्स ऑन वर्क एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उस पर पूरा फोकस रहता है। हर एक एक्टिविटी में हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चा पार्टिसिपेट करे, बच्चा करके सीखे। और जो करके सीखते हैं सर, उन चीज़ों का हमारे मस्तिष्क पर, बच्चों के मस्तिष्क पर आजीवन प्रभाव रहता है और अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो चीज़ उनके जीवन में कहीं ज़्यादा उपयोगी होती है। एक गार्जियन जो सोचता है कि जीडी गोयनका को हम चयन कर रहे हैं, तो आपने कई अभिभावकों से बात किया होगा, क्या लगता है कि उनका सोच क्या है, क्यों जीडी गोयनका को वो लोग सोचते हैं और वो लोग क्या अप टू द मार्क्स अगर उनका होगा कि हम इसमें जाते हैं तो हम पूरी तरह, तो क्या लगता है उनको, उनकी क्या सोच होती है कि उस लेवल के स्कूलों में जाने से पहले? सर, अभिभावकों के बारे में ये मानना है उस कैटेगरी का मैं भी हूँ, वो मुझे लगता है कि ज़्यादातर अभिभावक मेरी उम्र के या थोड़ा बहुत आगे पीछे उम्र के हैं। हमने जो शिक्षा प्राप्त की है और आज की शिक्षा पूरी तरह से अलग है, तो पेरेंट्स का ये है कि उनके अपने एक्सपीरियंस रहे, वो जो फील करते हैं कि देर वॉज समथिंग लैकिंग इन एजुकेशन एट आवर टाइम, सो दे एक्सपेक्ट दैट दोज ड्रॉबैक्स, दोज लिमिटेशंस विल बी कम ओवर विद दिस स्कूल। और उम्मीद रहती है कि इस स्कूल में सारी उनकी जो अपेक्षा एक्सपेक्टिव पूरे होंगे और स्कूल खराब ही उतरता है, तो मुझे लगता है कि शायद एक बड़ा रीजन है इस वजह से लोग जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल को चयन करते हैं अपने बच्चों की। एक एक स्कूल का गार्जियन जब ये सोचता है कि उनका बच्चा सुबह में जाता है फिर अगर शाम में लौटता है, तो वो कभी 25% गार्जियन ऐसे हैं जो देखते हैं कि बच्चे की वहाँ क्या पढ़ाई हुई, फीडबैक लेते हैं, देते हैं और फिर स्कूल प्रिंसिपल से मिलते हैं। तो क्या लगता है कि आपके यहाँ बच्चों को वो जो होमवर्क दिया जाता है, उस होमवर्क पर क्या फीडबैक आता है अभिभावकों का या फिर उस हिसाब से? जी नहीं, पहला तो ये कि सर, जो होमवर्क है हम अपना होमवर्क नहीं देते, कोशिश ये रहती है कि होमवर्क इस तरह से डिजाइन करते और करते भी हैं कि बच्चे का अपना होमवर्क हो, बच्चा इंटरेस्ट के साथ करे। फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर स्कूलों में बच्चे को मैथमेटिक्स होमवर्क दिया है तो बच्चे की बुक से दिया जाता है। हमारे यहाँ पर टीचर्स ये करते हैं कि बच्चे का अपना जो क्लासरूम है, अपना जो स्टडी रूम है घर पर, उसका किचन है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैथमेटिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको वहाँ से कैलकुलेट कर सकता है, उनको सॉर्ट आउट कर सकता है और एक अलग तरीके से सीख सकता है। तो बच्चों की मेंटेलिटी को आप कितने वर्गीकरण कर सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं? अलग अलग लेवल के बच्चे होते हैं। एक बच्चा जब स्कूल में पहुँचता है तो उसे 40 बच्चों से मुलाकात होती है, सभी के अपने माइंड सेटअप हैं। तो क्या लगता है कि एक बच्चा जिसके अंदर कुछ अवगुण हैं वो कितने को प्रभावित कर सकता है, जिसके यहाँ पास काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा गुण हैं तो वो कितने को प्रभावित कर सकता है, उसमें क्लास टीचर की भूमिका क्या है? सर, जहाँ तक बच्चों के क्लासिफिकेशन की बात है, मैं क्लासिफिकेशन नहीं करूँगा, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि उनका जो टैलेंट है, टैलेंट अलग अलग फील्ड का है। जैसे एक हाथी है सर, वो तैर नहीं सकता है लेकिन ज़मीन पर चल सकता है। एक मछली है, उसका टैलेंट पानी में दिखता है, पेड़ पर नहीं दिखेगा। तो वैसे ही बच्चों का भी है सर, कोई बच्चा सर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ाई में भी कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई मैथ्स में, कोई साइंस में, तो हर बच्चे का टैलेंट अलग है। आपने मिथिला हाट बच्चों को दिखलाया था, उसके पीछे क्या उद्देश्य था आपका, उसको उसमें कितनी सफलता मिली आपको? सर, न्यू NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये फोकस करती है कि बच्चे को क्रियात्मक रूप से करके सिखाया जाए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हैंड्स ऑन वर्क। तो
बेटर ये है कि हम बच्चों को किताबों में जो लिखी पढ़ी चीज़ें उनको सिखाएं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि वो हैंड्स ऑन वर्क एक्सपीरियंस के तहत बच्चे जाके चीज़ों को देखें, एक्सपीरियंस करें और वो सीख पाएँ। उसका एक फ़ायदा ये भी है कि बच्चे स्कूल के उबाऊ माहौल से निकल करके तरोताजगी महसूस करते हैं और एक नए तरीके सीख करके फिर पुनः तरोताज़ा होकर फिर स्कूल में जिज्ञासावश और अच्छे मनोबल के साथ आना शुरू करते हैं। बहुत से ऐसे गार्जियन हैं जो दूसरे स्कूल छोड़ करके आपके स्कूल में आते हैं जी। कुछ ऐसे गार्जियन हैं जो छोड़ करके चले जाते हैं जी। तो दोनों गार्जियन का आप जब विश्लेषण करते हैं तो क्या पाते हैं कि आखिर क्यों दूसरे स्कूल छोड़ करके आपके यहाँ आते हैं, क्या वहाँ कमी देखी जो आपके यहाँ प्लस देख करके वो आए? गार्जियन से का विश्लेषण क्या? गार्जियंस का सर जहाँ तक मैंने वार्ता की है अभी तक, अभी थोड़ा कम समय ही गुजारा है मैंने स्कूल के साथ में, मुझे बहुत कम गार्जियन ऐसे मिले जो हमारी शिक्षा व्यवस्था से असंतुष्ट हैं या जाना चाहते हैं। और कहीं कुछ थोड़ी बहुत कमियां भी हैं, हम ये नहीं कहते कि हम परफेक्ट हैं, वी आर नॉट परफेक्ट, बट वी आर ट्राइंग टू गेट क्लोज टू परफेक्शन। दूसरी जगह से जो आते हैं उनका क्या विश्लेषण करते हैं? उनका कहते होंगे वहाँ ये नहीं पा पाया, हम यहाँ अपेक्षा। बिल्कुल सर, ये रहता है क्योंकि जी डी गोइंग का एक ग्लोबल ब्रांड है और दूसरे स्कूलों में पेरेंट्स की जो उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो जी डी गोइंग की तरफ अपना रुख करते हैं, उम्मीदें रखते हैं और पूरी तरह से उनकी उम्मीदों पर स्कूल खरा उतरता है क्योंकि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज पार एक्सेलेंस। अच्छा, ये आपके हॉस्टल्स में क्या फैसिलिटी है, क्या कुछ उन लोगों को एक्स्ट्रा दिया जाता है उन लोगों को हॉस्टल के? सर, खाने पीने की समुचित व्यवस्था है खाने पीने और रहने के लिए। उसके अलावा क्योंकि बच्चा स्कूल से जाने के बाद जो डे स्कॉलर है उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा या तो खुद पेरेंट्स पर या ट्यूटर पर डिपेंड करता है और ट्यूटर की जो पढ़ाई है वो वेरीफाइड नहीं है, तो यहाँ पर स्कूल के बाद बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रखा जाता है जिसमें शाम को सायंकालीन कक्षाएं होती है तो बच्चों की जो होमवर्क है उसको भी कंप्लीट कराते हैं टीचर्स और कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाया जाता है उनको। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है सर, क्योंकि शहरी या ग्रामीण व्यवस्था में कहीं भी अच्छे खेल कूद के मैदान उपलब्ध नहीं है, इवन जगह भी नहीं है ठीक से, और यहाँ पर बच्चों को एक वर्ल्ड क्लास ग्राउंड मिलता है खेलने के लिए, अच्छे ट्रेंड कोचेज मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें सर उनको अवेलेबल रहती है। एक में कितने स्टूडेंट रखे? सर, 4 बच्चे रहते हैं हॉस्टल में जी। एक सवाल कि कहा जाता है कि जो बहुत आपके कंपटीटर हैं उनका कहना है कि स्कूल की दूरी लंबी है जिस वजह से बच्चे थक जाते हैं जी। इस तरह के भी संकेत आते हैं, तो क्या लगता है इसको आप कितना सही मानते हैं? कुछ लोग इसको मुद्दा बनाते हैं, तो आप इसको कितना सही मानते हैं? क्या दूर के स्कूल हो लेकिन उनको बेटर व्यवस्था है, तो क्या लगता है ऐसे भी माइंडसेट पे गार्जियन? नहीं सर, ऐसा गार्जियन कोई भी नहीं आता है कि दूरी की वजह से और कोई कारण समझे कि बच्चे को एडमिशन कराना है या करा दिया तो वहाँ से निकालना है, मुझे कोई पेरेंट नहीं मिलता है। क्योंकि स्कूल है सर एक बड़ा ब्रांड है, ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता है और शहर के पास ज़मीन मिलना मुश्किल होता है, और अच्छी सुविधाओं के लिए सर दूर तक भी जाते हैं तो मुझे लगता है कि पेरेंट को प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, आपका टारगेट समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आपका एक टारगेट होगा, किसी भी स्कूल का एक टारगेट होता है कि हमको वो अचीव करना है, प्रोफेशनली नहीं लेकिन हमको ऐसा अचीव करना है जिससे आने वाले समय में बच्चे और अभिभावक प्रेरित हो सकें, तो कौन सा टारगेट है जिसको आपको अचीव करना है 2023-24 में? सर 2023-24 में नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल होगा, हम अभी जो लॉन्ग टर्म गोल है उस पर काम कर रहे हैं कि अगले 5-6 सालों के अंदर सर हमारे स्कूल से एजुकेशन और गेम्स एंड स्पोर्ट्स के फील्ड में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक बच्चे पहुँचें, नीट और जेई जैसे एग्जाम में उनको क्वालिफाई करें। हर एक पेरेंट का आज एक्सपेक्टेशन रहता है जी डी गोइंग का से कि अगर बच्चे का एडमिशन कराया, इतना महंगा विद्यालय है, सुविधाओं से सुसज्जित है, तो हम दोनों ही अपेक्षाओं पर, चाहे वो करिकुलर है या को करिकुलर है, दोनों पर ही खरी उतरी कोशिश है कि हम वर्ल्ड क्लास एथलीट और स्पोर्ट्समैन पैदा करें, और एकेडमिक्स में तो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, उस फील्ड में भी बच्चे हमारे यहाँ से सफल हों, इस चीज़ पर पूरा पूरा फोकस किया जा रहा है। एक क्लास टीचर क्या फीडबैक देते हैं? एक क्लास टीचर का दायित्व तो बनता है कि वो वर्ग में, क्लास में बच्चों की हर एक्टिविटीज़ को गंभीरतापूर्वक वो प्रिंसिपल को वो इस बात को इन्फॉर्म करे, बताए और डिस्कस करे, क्या ताकि वो और इम्प्रूवमेंट हो सके? नहीं, इसमें सर टीचर्स का अपना विश्लेषण रहता है बच्चे की, क्योंकि हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चा अलग परिवेश से आता है और सीखने की सबकी विभिन्नताएं होती हैं,
तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टीचर अपनी, क्योंकि पहले ये था सर जब हम पढ़े तब ये था कि टीचर का एक टीचर एक मेथड, आज ये क्लास में 40 बच्चे हैं तो टीचर के पास 40 तरीके भी बच्चों को समझाने के लिए, और बच्चों की जो परवेश से संबंधित जो भी विभिन्नताएँ हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए बच्चे की समस्याओं का समाधान किया जाता है, और वो जिस तरीके से समझ सकता है उस तरीके से उसको चीज़ों को समझाने की कोशिश की जाती है, सिखाया जाता है। दरभंगा में भी अब कॉरपोरेट स्कूल खुले हैं जैसे GD का है, अन्य और भी हैं जी। तो क्या लगता है कि आपको एक कंपटीशन भी हो गई होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर वो क्या देते हैं और हमें क्या देना है इसका विश्लेषण आप करते होंगे, तो 2023-24 का जो सेशन प्रारंभ होने वाला है उसमें आप क्या बच्चों को एक्स्ट्रा देने वाले हैं ताकि गार्जियन माइंड पिकअप करे कि हाँ यहाँ पर हमें कुछ जी। सर जहाँ तक अगले सत्र की बात है, इसमें शैक्षिक गतिविधियाँ और शिक्षा है, शिक्षा का स्तर पूरी तरह से बनाए हुए हैं, और अभी स्विमिंग पूल चालू नहीं हुआ है, आई थिंक यहाँ पर दरभंगा में किसी भी स्कूल के पास स्विमिंग पूल नहीं है, तो इस तरह की सुविधाएं देंगे कि जो दूसरे विद्यालय उनके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और दूसरा ये कि सर क्योंकि GD गोयनका पब्लिक स्कूल एक ग्रुप से जुड़ा हुआ है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो GD गोयनका पब्लिक स्कूल नेशनल लेवल पर इंटर स्कूल लेवल पर एक्टिविटीज़ कराता है जो कोई दूसरा स्कूल उस तरह की सुविधा नहीं दे सकता है, और कंपटीशन सर बच्चे को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बच्चा अपने सम वयस्क अपने क्लास के बच्चों के अपने बराबर के बच्चों के साथ वो नेशनल लेवल पर कॉम्पीट करता है, दूसरी जगह बच्चों से मिलता घुलता है, एक अलग तरीके से सीखने के लिए उसको जिज्ञासा जागृत होती है, और अपनी जो क्षमताएँ हैं क्षमताओं का भी बेस्ट प्रयोग करने की कोशिश रहती है। एक अंतिम सवाल, अभिभावकों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हर स्कूल अपने अपने बच्चों के अभिभावकों से एक्सपेक्ट करता है वो स्कूल को कोऑपरेट करे जी। कि जब पेरेंट्स मीटिंग हो या अन्य भी जो भी कार्यक्रम हो उसमें, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अभिभावकों से? सर पेरेंट्स से स्कूल का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि एजुकेशन एक ट्राइंगल एक त्रिभुज है जिसमें पेरेंट्स फैमिली स्टूडेंट एंड स्कूल ये तीनों अगर कोऑर्डिनेशन रहेंगे तो शिक्षा का जो मूलभूत उद्देश्य है कि बच्चे को हम राइट ट्रैक पर रखें उसको सिखा पाएँ वो प्राप्त कर सकते हैं। पेरेंट्स से यही चाहते हैं कि बच्चे का टाइम टू टाइम फीडबैक देते रहें, और स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग हो आएँ, और जब भी स्कूल में कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हम उनको इन्वाइट करते हैं आमंत्रित करते हैं, वो आकर बच्चे की परफॉर्मेंस देखें कि उनका बच्चा कहाँ तक पहुँचा है, कैसा कर रहा है, कितना कुछ सीख चुका है। दो सत्र हो चुके हैं, कितना सेटिस्फाइड हैं आप जो यहाँ के, कितने सेटिस्फाइड हैं और कितना लगता है कि हमें कुछ और करना है, कुछ और बेहतर करना है? जी स्काई इज लिमिट। संतुष्टि, अगर संतुष्टि का भाव जहां आ जाएगा फिर वहीं पर हम रुक जाएंगे, अभी कोई संतुष्टि का भाव नहीं है। स्कूल अभी शैशवावस्था में है, दूसरा सत्र चल रहा है, और जहां तक जो चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो भी अभी हमें सुविधाएँ देनी है बच्चों को खेल कूद के लिए या कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, और वेरियस लैब्स हैं, रोबोटिक्स लैब है, ई लाइब्रेरी है, इनकी भी मैनेजमेंट से बात की है, और आने वाले सत्र में या एक दो सालों के अंदर उन सुविधाओं को भी हम देंगे सर बच्चों के लिए। तो हम बता दें दरभंगा में जब से कॉरपोरेट स्कूल खुलने लगे हैं तब से अभिभावकों की भी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। अभिभावक सोचता है कि अगर कॉरपोरेट स्कूल जो कि नेशनल लेवल के स्कूल हैं उसमें अगर अपने बच्चों की दाखिला अगर करवाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके बच्चे का कैरियर सुदृढ़ ही नहीं होगा बल्कि जो बेस है एजुकेशन का जो बेस है वो पूरी तरह मजबूत होगा। और आप जानते हैं जिस बच्चे का बेस कमज़ोर होता है वो बच्चे आगे सक्सेस नहीं कर पाते हैं, और ये सबसे बड़ी चैलेंज हर एक स्कूल की है जिसमें GD गोयनका का पूरी तरह खड़ा उतरने का प्रयास कर रहा है। हालांकि अभी यह शैशवावस्था है यानी कि दूसरा सत्र है, तीसरे सत्र में और बेहतर पूरी तरह अपनी टीम के साथ GD गोयनका का छात्र छात्राओं के साथ अभिभावकों को भी संतुष्ट करने का प्रयास करेगा। देखते रहिए बिहार मीडिया न्यूज़, क्योंकि हम लगातार आपको दरभंगा के तमाम स्कूलों के बारे में जानकारी देंगे जो बच्चे के कैरियर निर्माण में सहायता देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर।